अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि ईद उल अज़हा 31 तारीख को होगी या 1 तारीख को होगी। मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल पे ऊपर पहली मत पे तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक रेड बटन सब्सक्राइब नज़र आ रहा है, उसको दबा कर बेल को ऑल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों पिछली बार दोस्तों जो ईद उल फितर थी 2020 में ईद उल फितर जो मनाई गई थी 24 तारीख को, अगर उसके हवाले से बात करें तो 24 तारीख को जो दोस्तों फवाद चौधरी हैं वो कहते थे कि 24 तारीख को ईद उल फितर मनाई जाएगी पाकिस्तान में, और दोस्तों जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब हैं वो कहते थे कि 25 तारीख को मनाई जाएगी। दोस्तों उनकी आपस में बहुत सारी लड़ाई चलती रही। फिर दोस्तों उन्होंने कहा है कि 23 तारीख को उन्होंने कहा है कि सुबह ईद होगी। 23 तारीख को उन्होंने फवाद चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि दोस्तों चांद नज़र आ गया है और 24 को ईद होगी। अगर उसी हवाले से अगर बात करें पाकिस्तान के हवाले से तो दोस्तों बहुत ज़्यादा जो कन्फर्म चांसेस हैं वो हम आपको बताते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल के ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आसानी के साथ मिल जाए। दोस्तों पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो दोस्तों पाकिस्तान में 1 अगस्त को ईद मनाई जाएगी और वो दोस्तों हफ्ते वाला दिन होगा। बहुत से दोस्तों का सवाल था कि 31 तारीख को ही ईद मनाई जाएगी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। फवाद चौधरी ने दोस्तों ऐलान कर दिया है, इस बार भी दोस्तों ज़्यादा जो चांसेस हैं वो फवाद चौधरी के भी हैं। और दोस्तों फवाद चौधरी जो कहते हैं 1 तारीख को और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब कहते हैं 31 तारीख को, बहुत ज़्यादा चांसेस दोस्तों ये बन रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ईद दोस्तों 1 अगस्त को ही मनाई जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मुसलमान भाई हैं तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल कॉल के ऊपर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि तमाम मुसलमानों को पता चल जाए। एक कन्फर्म जो डेट आई है वो ये आई है दोस्तों, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और फवाद चौधरी के दरमियान लड़ाई भी चल रही है अभी। दोस्तों जो फवाद चौधरी की बहुत ज़्यादा चांसेज है फवाद चौधरी की ही सुनी जाएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, जो कन्फर्म डेट है मैंने वो आपको बता दिया है कि दोस्तों 1 अगस्त को ईद होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।